हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा ये वीडियो है वो आपके रिलेटेड है रेलवे ALP परीक्षा 2018 CBT फर्स्ट की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में। आप जानते होंगे इसकी आंसर की जो है आपको जारी कर दी गई है, साथ में ऑब्जेक्शन भी आपको अगर कोई किसी क्वेश्चन में है तो आप वो भी दे सकते हैं। साथ में हम इसमें बात करेंगे जो बड़ी कोचिंग्स है कि उन्होंने अपनी जो एवरेज कट ऑफ बताई है तो उनके बीच में हमने एक एवरेज निकाला है कि सभी ने जितनी भी कट ऑफ बताई है उसके बीच में एवरेज आपका क्या रहेगा, तो उसी के रिलेटेड आज हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स। तो फ्रेंड्स, ये जो मार्क्स है ये आपके सामने दिख रहे हैं, ये तो आपको मिनिमम लाने ही होंगे कैटेगरी वाइज। तो जैसा आप देखेंगे जनरल के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25% मार्क्स, ये वो मार्क्स हैं जो आपको मिनिमम गेन करने होंगे 75 नंबर्स के आपके पेपर में से। यदि हम इनको कन्वर्ट करते हैं मार्क्स में तो जनरल के लिए 30, ओबीसी और एससी के लिए जो है 22.50 और एसटी के लिए 18.75 नंबर आपको मिनिमम लाने ही होंगे, इसके बाद ही आप कम से कम सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ये तो हुई बात मिनिमम आपके मार्क्स कितने होने चाहिए। अब फ्रेंड्स, जो आरआरबी रेलवे इंडियन रेलवे है उसने अपने जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर एक मैसेज दिया था कि सीबीटी जो एग्जाम है, फर्स्ट सीबीटी है, उसके लिए 47 लाख बच्चे रजिस्टर्ड हुए थे 64,037 ALP एंड टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, और यहां पर रिकॉर्ड अटेंडेंस हुई है आपकी 76.76% की। तो फ्रेंड्स, आरआरबी की हिस्ट्री में अगर बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा रिकॉर्ड अटेंडेंस यहां पर पता लगी है। अगर देखें इसके लास्ट प्रीवियस ईयर कंडक्ट एग्जाम की तो 32 लाख जो है कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए थे और जिसमें सिर्फ मात्र 47.47% लोग ही अटेंड हुए थे। तो आप यहां देख सकते हैं सीधा डबल कैंडिडेट जो है यहां पर अटेंड हुए हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स, अगर मैं 47 लाख का 76.76% निकालता हूं तो मेरे सामने एक संख्या निकल के आती है 36,07,720 स्टूडेंट। मतलब ये वो संख्या है जितने अप्रोक्स बच्चे रजिस्टर्ड मींस अपियर हुए थे आपके फर्स्ट सीबीटी में। अगर बात करते हैं नेक्स्ट सीबीटी 2 की तो 9 लाख बच्चों के समथिंग जो सीट है वो रिजर्व्ड है, तो आपको इतने बच्चे तो इनको लेने ही होंगे। ये बहुत बड़ी संख्या है, इसके लिए जो मिनिमम कट ऑफ है वो जितनी मिनिमम जा सकती है उतनी कट ऑफ आपकी मिनिमम जाएगी। अगर हम बात करते हैं अगर अदर जो आपके जो कितने भी कोचिंग्स हैं उनके बारे में, तो देखिए यहां पर जो उनकी एवरेज कट ऑफ उन्होंने निकाली है उसकी अगर हम बात करें तो देखिए जनरल के लिए जो है 48-52, ओबीसी के लिए 46-48, एससी के लिए 44-46 एंड एसटी के लिए 44-46 जो कट ऑफ यहां पर बड़ी जितनी भी कोचिंग है उन्होंने अपनी यहां पर जारी की है। तो देखिए इन्होंने खेला है सेफ गेम। सेफ गेम मतलब अगर आप उनसे पूछते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है तो उन्होंने बताया है आपको वो वाली वैल्यू कि जे इतनी कट ऑफ तो आपकी जानी ही चाहिए पेपर के लेवल के हिसाब से। अगर पेपर देखा जाए तो पेपर देखिए आपका, अगर मैं मान के चलूं तो मॉडरेट लेवल का था, किसी बैच में पेपर हार्ड था, किसी पेपर में बैच में मॉडरेट था और कहीं पे पेपर सॉल्व भी बिल्कुल सिंपल भी था। तो ज्यादा अगर मैं देखूं नॉर्मलाइजेशन अगर हम करते हैं तो अगर देखिए किसी को फायदा भी होगा किसी को नुकसान भी होगा, पर नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज है जिससे थोड़ा बेनिफिट तो मिलता ही है सभी को, और क्योंकि एक्चुअली डिवाइडेड कर देता है आपके नंबर्स को, क्योंकि वो आपके डिपेंड करता है हर एक बैच में हर एक सीट में जिस हिसाब से पेपर आपका आता है उसके हिसाब से। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए यहां पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, जो कि हमने अगर मैं अपने हिसाब से लेके चलता हूं तो फ्रेंड्स, अगर मैं अपने हिसाब से लेके चलता हूं तो जनरल के लिए 35 से 40 के बीच में कट ऑफ जा सकती है, वेरी कर सकती है। ओबीसी के लिए 33 से 37 नंबर, एससी के लिए 28 से 32 और एसटी के लिए 26 से 30 नंबर के बीच में कट ऑफ वेरी करेगी। अगर देखा जाए तो देखिए ये मैक्सिमम टू मिनिमम कट ऑफ मैंने आपको यहां बताई है कि मिनिमम इतनी जा सकती है, मैक्सिमम जो है इतनी जा सकती है। अगर देखा जाए तो देखिए अगर आप देखें अगर लास्ट ईयर की 2014-15 का अगर एग्जाम अगर आप देखेंगे तो उसके हिसाब से कट ऑफ की अगर जो उम्मीद है सीट वाइज भी और कैंडिडेट वाइज भी, तो देखिए फ्रेंड्स इतनी जानने की तो उम्मीद है, क्योंकि पेपर का जो लेवल अगर हम काउंट यहां कर रहे हैं तो पेपर का लेवल हम मॉडरेट लेवल का यहां पर काउंट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई भी अगर आपको लगती है कि कहां पर कट ऑफ कितनी जा सकती है, देखिए हर किसी स्टूडेंट के लिए अलग अलग कट ऑफ वेरी करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई कमेंट करता है कि इतनी कट ऑफ जाएगी, कोई कहेगा इतनी कट ऑफ जाएगी, देखिए कोई भी एक्चुअल कट ऑफ नहीं बता सकता, ना आप ना मैं।
ये होती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर आपका जो पेपर है खराब गया है तो आप कट ऑफ नीचे लेके चलते हैं, और यदि आपका पेपर अच्छा गया है तो आप कट ऑफ ज्यादा लेके चलते हैं। तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पर कि वो कितनी कट ऑफ लेके चलता है। पर हमने देखा है सभी के जितने भी कमेंट हमने लास्ट वीडियोज में भी देखे हैं और अदर जगह भी देखे हैं और कई वेबसाइट पर भी चेक किए हैं, तो वहां पर अगर हम एवरेजन लेके चलते हैं तो आपकी जो कट ऑफ है इससे ज्यादा या इससे कम नहीं हो सकती, इतने के बीच में आपकी वेरी करेगी ही करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहां पर बता दी है। अगर आपको अगर इसमें नंबर आपका आ जाता है रिजल्ट के आने के बाद तो आप सीबीटी 2 की तैयारी करने के लिए लग जाइए और करते रहिए। देखिए सिलेबस उसका जो है वो थोड़ा वही है सेम सीबीटी फर्स्ट जैसा, बस थोड़ा सा उसका लेवल जो है हाई आपका हो जाएगा। तो उसके लिए जो एक्सपेक्टेड बुक्स है जो आपको पढ़नी चाहिए और क्या कौन कौन से मॉक टेस्ट कौन कौन सी वेबसाइट से आपको लगाने चाहिए उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक आपके जो रिजल्ट के लिए, आपके आने वाले सीबीटी 2 के लिए। तो फ्रेंड्स देखते रहिए A24 नॉलेज। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया होगा, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।